अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं एयर सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, मैं एक एप्लीकेशन पे काम कर रहा था, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऑल कंट्री की जो है ना, ओवरऑल वर्ल्ड की जितनी भी न्यूज़ वेबसाइट है वो ओनली वन एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर रहा था मैं। तो उसमें थोड़ा सा काम हो गया लेकिन थोड़ा सा बाकी है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आज हम कस्टम डोमेन परचेज करेंगे गोडेडी से, और बाद में अपने ब्लॉगर के साथ उसको अटैच करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलें दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। चले हम अपना मैंने गोडेडी का अपना ओपन किया हुआ है, आईडी ओपन की हुई है। मैंने डोमेन परचेज करना है blogertips.me, ठीक है। ये मुझे मिल रहा है 13.65 dirham का। तो चले हम इसको परचेज करते हैं। नहीं, इसकी एड पेमेंट जो वो मेथड जो वो मुझे चेंज करना पड़ेगा। चले मैं अपना पेमेंट मेथड जो है वो अटैच करता हूँ इसके साथ। जी दोस्तों हमने अपना पेमेंट मेथड ऐड करके डोमेन परचेज कर ली है। चले हम इसको अभी अपने ब्लॉगर के साथ लिंक करते हैं। चले दोस्तों सबसे पहले आपने अपने गोडेडी का अकाउंट ओपन कर लेना है, ठीक है। तो आपने इस एरो को क्लिक करना है, माई प्रोटेक्ट पे आ जाना है, प्रोटेक्ट। उसके बाद जो हमने भी डोमेन परचेज किया है वो है blogertips.me, हमने इसको DNS पे क्लिक कर देना है। यहाँ से हम डोमेन को कॉपी करते हैं, हमने अपने ब्लॉगर के साइड में आ जाना है, जिसका भी हमने डोमेन चेंज करना है, सेटिंग में आ जाना है, ठीक है। उसके बाद बेसिक में क्लिक करके आपने ये देखिए नीचे लिखा हुआ है सेटअप, अब इसको आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने अपना डोमेन देना है www के साथ, www. ठीक है, आपने सेव पर क्लिक कर देना है, ठीक है। लेकिन अब ये कह रहा है कि अपने डोमेन को वेरीफाई करवाएं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये कुछ इन्होंने दिए हैं, ये हमें अपने डोमेन के DNS में ऐड करने पड़ेंगे रिकॉर्ड, www रिकॉर्ड है साथ में ये रिकॉर्ड है। तो चले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, उसको कॉपी करना है, ये हमने अपने डोमेन के सी नेम में ऐड करने हैं, ठीक है। डोमेन में आके आप पहले चेक कर लेंगे, देखिए सीने में है ना, इसको ही आप एडिट कर लें, ठीक है। पोर्ट में आपने ये वाला कोड डालना है, ये वाला, और होस्ट में आपने ये वाला कोड डालना है, इसको सेव कर देना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपने ये कोड को कॉपी करना है, फिर दूसरा सी नेम हम इसको एडिट कर लेते हैं,
और यहाँ पे हमारा होस्ट नेम था www, इसका उन्हें सेव कर लेना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने इसको यहाँ पे क्लिक करना। ये देखेंगे सेटिंग लिखा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, एक साइड ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपको आईपी, यहाँ से आपने आईपी जो है वो कॉपी करनी है, कॉपी का एक आईपी कॉपी करनी है, डोमेन में जाना है। मैं आपको दिखा दूँ पहले, ये आपने डीएनएस के ए रिकॉर्ड में ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐड करते हैं, यहाँ से ए रिकॉर्ड होस्टिंग में आपने ऐड द रेट डाल देना है, और यहाँ से जो आईपी कॉपी की थी वो सेव कर देनी है। ठीक है, फिर हमने दूसरी है उसी पेज पे चले जाना है, दूसरी आईपी कॉपी करनी है, फिर ऐड पे क्लिक करना है, फिर ए रिकॉर्ड होस्टिंग होस्ट में ऐड द रेट, और फिर आईपी को पेस्ट कर देना है, इसको सेव कर देना। फिर हमने उस साइड में चले जाना है, तीसरी है थर्ड वाली आईपी जो है कॉपी करनी है, डोमेन में आना है, ऐड करना है, ए रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना है, ऐट द रेट इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सेव कर देना है। फिर आपने साइड में चले जाना है, फोर्थ आईपी को कॉपी करना है, डोमेन में आना है, ए रिकॉर्ड में जाना है, ऐट द रेट यहाँ पे आपने वो आईपी पेस्ट करनी है, सेव कर देना है। जी दोस्तों, अभी आपका जो डोमेन में जो आपने डीएनएस रिकॉर्ड में जो रिकॉर्ड ऐड करने थे वो आपका काम कंप्लीट हो गया है। चलें अभी हम जाके चेक करते हैं कि हमारा डोमेन जो है वो ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। पहले मैं आपको ब्लॉक जो है वो ये देखिए, अभी हमारा जो डोमेन ओपन हो रहा है वो airservice.blogspot.com पे हो रहा है। ठीक है, तो हमने इसको भी सेव करके चेक करते हैं, नहीं अभी तक नहीं हुआ। चलें हम इसको रिफ्रेश करते हैं पहले एक दफ़ा। सेटअप, यहाँ पे हम अपने डोमेन को कॉपी करते हैं, इसको सेव करते हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम लगेगा इसको होने में। चलिए अभी मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ। ठीक है, डॉलर देखें, ये एप्लीकेशन है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्क्रीन वन है, ये स्प्लैश स्क्रीन है। ठीक है, इसमें मैंने इमेज ली हुई है, लेबल लिया हुआ है, वो टाइमर है, ये 5 सेकंड का टाइमर है। उसके बाद 5 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है ये होम स्क्रीन पे चला जाएगा। ठीक है, ये देखें ये एप्लीकेशन है। उसके बाद जिस टाइम आप ये बटन को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये थर्ड स्क्रीन पे चला जाएगा, और यहाँ पे आपको पूरी इसकी डिटेल शो होगी, वेबसाइट शो होगी, यहाँ पे आपका एक बैनर एड शो होगा। ठीक है, और जैसे ही आप बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इंडस्ट्रियल एड एक शो होगा। ठीक है, ये देखें इसका ब्लॉक है, ये देखें। अगर आपको आपको इसकी AIA फाइल चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं आपको इसकी AIA फाइल दे दूंगा। ठीक है,
और एक और ऐप है वो सिर्फ ओनली पाकिस्तान की जितनी भी वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट है उसके लिए है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि उतनी देर में वो जो DNS है, रिकॉर्ड है, वो अपडेट हो जाएंगे डोमेन के। ये देखें, ये सप्लाई स्क्रीन है, फर्स्ट स्क्रीन। इसमें भी टाइमर है, ये 4 सेकंड के बाद जो है ये देखें ये चले जाएगा होम स्क्रीन पे। ये देखें, जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे एक इंटरेस्टल ऐड शो होगा, ठीक है। उसके बाद इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिस टाइम फिर हम बैक करेंगे तो फिर एक रिवॉर्डेड ऐड शो होगा, और ऑलरेडी जो है आपको बैनर ऐड तो शो है ही है। तो दोस्तों, अगर आपको इसकी भी AI फाइल चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स करें तो मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको AI फाइल कैसे मिलेगी। दोस्तों, अभी ब्लॉग से ज़्यादा, वेबसाइट से ज़्यादा जो आप अर्निंग कर सकते हैं वो एक एंड्रॉयड ऐप से कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अभी लोगों की ज़रूरत भी है, क्योंकि उन्होंने न्यूज़ पढ़नी होती है तो अलग अलग साइट पे जाके ओपन करके तो वो पढ़ते हैं। तो अगर उनको एक ही एंड्रॉयड ऐप में टोटल न्यूज़ मिल जाए एक कंट्री की, तो उनके लिए तो फ़ायदा है ना। तो इससे आपकी भी अर्निंग होगी। तो इसकी भी ये देखें, सेम सेम कोडिंग है, ये मैंने कोडिंग की हुई है। लेकिन अगर मैं आपको कोडिंग सिखा इधर वीडियो बना के दूंगा तो बहुत कम से कम ये 10 से 20 वीडियो बनेंगी। तो हाँ, जिस टाइम आपको AI फाइल दूंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि इसकी एडिट कैसे करना है, इसको आपने उस पर आपको एक वीडियो बना के दूंगा मैं, कि आपने इसका पैकेज नेम कैसे चेंज करना है, इसके कलर्स कैसे चेंज करने। क्योंकि आप अगर ऐसी सेम फाइल अपलोड करेंगे गूगल प्ले कंसोल में तो आपका जो गूगल प्ले कंसोल है वो डिसेबल भी हो सकता है, और अगर वो आपका ऐप भी जो है सस्पेंड हो सकता है, तो उसके साथ साथ मेरा ऐप भी जो है वो सस्पेंड हो सकता है। तो फिर मैं तो नहीं चाहता कि मेरा भी ऐप सस्पेंड हो, मैंने भी इतनी मेहनत की है अर्निंग के लिए। तो दोस्तों, आपको इसकी भी AI फाइल जो है फ्री मिलेगी। तो इसकी वीडियो जो है वो मैं आपको अलग मोबाइल पे बना के दूंगा, क्योंकि मेरे लैपटॉप के साथ जो डेटा केबल अटैच नहीं होती कि मैं आपको मैं लाइव दिखा सकूं। तो इसकी वीडियो बना के मैं जो है ना वो इसी वीडियो के 20-25 मिनट के बाद जो है मैं अपलोड कर दूंगा। आप चेक करें, उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मुझे ये फाइल चाहिए, तो फिर मैं आपको बताऊंगा ये फाइल आपको कैसे मिलेगी। ये दोनों एप्लीकेशन की जो फाइल है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। एक ये एप्लीकेशन है पाकिस्तानी न्यूज़, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान की जितनी भी न्यूज़ हैं उनकी वेबसाइट आपको मिलेंगी, और ये जो वर्ल्ड न्यूज़ है इसमें आपको कम से कम 20 से 25 कंट्री की जो फाइल है वो आपको मिलेंगी। इस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। इसमें अभी 2 कंट्री की जो है वो मैंने ऐड की है, एक पाकिस्तान और एक UAE, उसके बाद ओमान, कतर, बहरीन, कवैत, अमेरिका, कनाडा, ऐसे जितनी भी पॉपुलर कंट्रीज है ना उनकी जितनी भी न्यूज़ वेबसाइट है वो आपको एक ही एप्लीकेशन में मिलेंगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलें अभी हम चेक करते हैं कि हमारा जो DNS रिकॉर्ड है वो अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। जी दोस्तों, हमारा जो DNS रिकॉर्ड है वो बिल्कुल हो गया है। चलें अभी हम इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि हमारा डोमेन जो है वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन अभी ये देखें, डोमेन तो चेंज हो गया है लेकिन अभी तक साइट ओपन नहीं हो रही, इसमें भी कुछ टाइम लगेगा। आपने एक दफ़ा इसको क्या करना है, दोबारा बेसिक सेटिंग में आना है, ठीक है। एडमिन पैनल में आ जाना, अपने ब्राउज़र के सेटिंग में आना है, बेसिक में क्लिक करना है और दोबारा इसको एडिट करना है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको एडिट एडिट करना है, उसके बाद इसको क्लिक करना है और फिर इसको सेव कर देना है, ठीक है दोस्तों।
ये जो आपका डोमेन है इसके साथ HTTPS जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो नहीं होता, लेकिन उसको अपडेट होने में लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसलिए वो टाइम ले रहा है। तो थोड़ी देर में जो है देखिए, आपको डोमेन तो चेंज हो गया है, तो कुछ ही देर में जो है ना 10 से 15 मिनट में ये चेंज हो जाएगा। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, तो जैसे ये डोमेन चेंज होता है, साइट ओपन होना शुरू हो जाती है, तो मैं दोबारा वापस आता हूँ। जी दोस्तों, हमने डोमेन ऐड किया था, चले अभी हम चेक करते हैं कि हमारा डोमेन जो है वो ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। आपके सामने मैंने मतलब DNS रिकॉर्ड ऐड किए थे, उसके बाद चले अभी हम व्यू ब्लॉक पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा ब्लॉक के अंदर जो हमारा कस्टम डोमेन है वो ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। चलें जी हम इसको क्लिक करते हैं। जी दोस्तों, ये चेक करें, आगे जो हमारा डोमेन था वो blogspot.com पे था, अभी ये देखें हमारा डोमेन जो है वो हमने यहाँ से परचेज किया था GoDaddy से, ये देखें bloggertips.me, अभी ये देखें bloggertips.me। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये मेरी वेबसाइट है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पर थीम अपलोड करना सिखाऊंगा, इसकी कस्टमाइजेशन, उसके बाद इसको गूगल वेब मास्टर टूल में सबमिट करेंगे, फिर गूगल एडसेंस के लिए इसको सबमिट करेंगे अप्रूवल के लिए, और जैसे अप्रूवल मिलेगी तो फिर मैं आपसे टिप्स शेयर करूंगा। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और नई वीडियो के लिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जी दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।